इंसानों के पेशाब से बियर बना रही है ये कंपनी। कंपनी की बात सुनकर लोगों में मची खलबली। अच्छे अच्छों का उतर गया नशा। बियर के नाम पर घटाघट लोगों का पेशाब पी रहे हैं लोग। इस बार खरीदने से पहले जान ले उस कंपनी का नाम, नशे के चक्कर में ना हो जाए बड़ा नुकसान। कंपनी ने खुद मानी इंसानों के पेशाब से बियर बनाने की बात। आप भी है बियर पीने के शौकीन तो हो जाइए सावधान। वीडियो में समझे विस्तार से पूरी बात। बाजार में कई तरह की बियर उपलब्ध है। अलग अलग ब्रांड अलग अलग खूबियों वाली बियर बेचते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि बाजार में एक ऐसी बियर उपलब्ध है जिसमें कई इंसानों का यूरिन मिला हुआ है, सबसे खास बात ये है कि इस बात को खुद बियर बनाने वाली कंपनी ने स्वीकार किया है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप यूरिन वाली बियर नहीं पीना चाहते हैं, आपको किस कंपनी की बियर पीने से बचना चाहिए। वीडियो में इस कंपनी के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस फेसबुक पेज पर अगर आप नए हैं और ऐसी वीडियो और भी चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहले जानिए कैसे बनती है यूरिन वाली बियर। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी। दरअसल इसी साल एक शराब बनाने वाली कंपनी के दिमाग में ये विचार आया कि क्यों न इंसान के पेशाब का इस्तेमाल करके बियर बनाई जाए। इसके लिए इस कंपनी ने उत्तरी यूरोप के सबसे बड़े म्यूजिकल फेस्टिवल रोस्कल्ड में ढेर सारे शौचालय बनाए और लोगों को उनमें मुफ्त में पेशाब करने की अनुमति दी। फिर यहाँ से करीब 50,000 लीटर पेशाब इकट्ठा किया गया और उससे बियर बनाई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बियर बनाने वाली कंपनी को इस बियर को बाजार में बेचने की अनुमति भी सरकार से मिल गई है। पेशाब से बनने वाले बियर का नाम क्या है? हम जिस बियर की बात कर रहे हैं वो सिंगापुर की एक कंपनी में बनती है। हालांकि यहाँ बनने के बाद इसे दूसरे देशों में भी भेजा जाता है जहाँ इसे स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है। इस बियर को पूरी दुनिया में न्यूब्रो या नॉर्बो के नाम से जाना जाता है। अगर आप यूरिन से बनी बियर नहीं पीना चाहते हैं तो जब भी आप वाइन शॉप या शराब की दुकान से बियर खरीदें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि उसमें न्यूब्रो नाम की बियर ना हो। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कंपनी ने ऐसा क्यों किया। आपको बता दें द स्टेट टाइम्स के मुताबिक सिंगापुर की कंपनी ने पानी बचाने के लिए ऐसा किया। दरअसल बियर बनाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। सिंगापुर जल संकट से गुजर रहा है जबकि आने वाले सालों में इस देश में पानी की स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। यही वजह है नॉर्बो बियर बनाने वाली कंपनी ने फैसला किया है कि यूरिन को रिसाइकल करके उसमें बियर बनाएगी। इस बियर को पीने वाले लोगों का कहना है कि भले ये बियर यूरिन से बनी हो लेकिन इसका स्वाद किसी भी सामान्य बियर जैसा ही लगता है। दोस्तों आपकी इस विषय में क्या राय है हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस फेसबुक पेज पर अगर आप नए हैं और ऐसी वीडियो और भी चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले।